तो क्या होगा अगर तुम लोग एक दिन मुजरा करते करते सीधा पिलेजर पे बदल जाओ? हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर 100 डेज बट एज अ पिलेजर। इधर में मेरा टारगेट कुछ हटके होने वाला है, बिकॉज मेरे को तो एंडर ड्रैगन को मारना है, लेकिन मैं क्रॉसबो के अलावा कोई भी वेपन नहीं यूज कर पाऊंगा। मैं तलवार, कुल्हाड़ी कुछ भी नहीं यूज कर पाऊंगा। मेरे को एक पालतू जानवर लेके आना है, लेकिन कुत्ता बिल्ली नहीं, सीधा रेवेजर। एंड फाइनली मेरे को ऑसम सा बेस बनाना है, वो भी पिलेजर स्टाइल पे। एंड यार, मैं देख रहा था कि जो लोग मेरे को देख रहे हैं, काफी सारे बंदे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, उधर पे काफी सारे गप्पे सप्पे होते हैं, तो जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अभी के लिए एंजॉय। तो यार, पिलेजर बन के सीधी सी बात है कि हम पिलेजर टावर के पास ही स्पॉन होंगे। तो भैया, सबसे पहले हमने कुछ पेड़ पौधे नहीं तोड़े, हम अपने घर से लकड़ी तोड़ लिया। उसके बाद मैं घर के अंदर घुसा और अपने खानदानी खजाने से खजाना निकाला। वैसे खजाने के नाम पे कुछ गाजर और कुछ लकड़ी आई थे। और भैया, मैं क्रॉसबो के अलावा कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता वेपन के हिसाब से। तो भैया, लक्का देवी ने मेरे साथ ही थी आज, इसीलिए मेरे को एक क्रॉसबो भी नहीं मिला। एंड वुड तोड़ने के बाद एक पिकैक्स बनाया वुड का। और भैया, वुड का पिकैक्स बनाने के बाद सारे के सारे टूल मैंने पत्थर बना लिया। वैसे मैं इधर पे कुल्हाड़ी तो बना लिया, लेकिन मैं कुल्हाड़ी को ना सिर्फ लकड़ी तोड़ने के लिए यूज करूंगा। हाँ जी, तो उसके बाद मैं निकल गया। मेरे दिमाग में खतरनाक वाला आइडिया आया कि मैंने सोचा कि मैं पिलेजरों को मार के इनके पास से क्रॉसबो ले लूं। तो भैया, मैं इधर पे मरते मरते बचा जैसे तैसे और रात हो गया। और भैया, उसके बाद मैंने अपने दिमाग चलाया खतरनाक वाला और सारे के सारे खिड़कियां बंद किया। एंड यार, तुम लोग देखो, मेरे पास खतरनाक वाला जादुई शक्ति आ गया था, इसलिए क्रीपर बाबा जी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एंड यार, उसके बाद मैं काफी सारे टेक्निक यूज करके काफी देर तक पिलेजर मारने की नाकाम कोशिश किया। उसके बाद मैं जैसे तैसे इधर से भाग गया, कतई हाफ आउट हो गया था मैं। और भैया, सारे के सारे पिलेजर, क्रीपर, स्पाइडर, सारे के सारे मिलकर मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। पता है क्या, जब भगवान लेता है ना छप्पड़ फाड़ के लेता है, जब मेरे पास ना बस हाफ आउट था, सारे के सारे ज़ॉम्बी मिलकर मेरे पीछे पड़ गए, वो भी डेजर्ट पे ड्राउंड आ गए। पता नहीं कहां से आए, पर आ गए थे। उसके बाद तो मैं भाग गया इधर से जैसे तैसे अपना लुंगे उठा के। तो भैया, उसके बाद ना मैंने कुछ भेड़ मारा, और भेड़ मारने के बाद मैंने एक बेड बनाया। वैसे बेड का कोई काम था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुबह हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े बहुत खाना कलेक्ट किया, वो भी नॉन वेजिटेरियन वाला। एंड यार, फिर मैंने एक स्टोव बना के सारे खाना पकाने को दिया। वैसे तुम जो भी बोलो, हैंडसम बहुत लग रहा, एकदम लल्लन टॉप। उसके बाद मैंने कुछ वुड्स तोड़े। एंड वुड तोड़ने के बाद कुछ आयरन वगैरह तोड़ लिया। अब देखो, मैंने एक बाल्टी बना लिया जो लोहा मिला था उससे। उसके बाद मैंने पानी निकाला और फिर मैं चला गया कुछ और लोहा तोड़ने के लिए। तो भैया, कुछ लोहा तोड़ने के बाद हमने कुछ काला सिलेंडर वगैरह तोड़ लिया। वैसे मैं कोल को काला सिलेंडर बोलता हूँ, जिनको पता है, जिनको नहीं पता मैं क्यों बोलता हूँ, बोल देता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि काम तो ये सिलेंडर का ही करता है और रंग इसका काला है। तो भैया, उसके बाद मेरे को एक विलेज मिल जाता है और मैं गोलेम के ऊपर हमला करने जाता हूँ। पर भैया, इधर पे खतरनाक वाला सीन हो जाता है, हड्डी भैया भी मेरे हेल्प करने लगे, लेकिन अब सो हड्डी भैया बच नहीं पाए। उसके बाद ना मैंने एक क्रॉसबो बनाया और फिर मैं निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। तो भैया, जाते जाते मेरे को ना एक शिपरेक मिलता है, साथ ही में मॉन्यूमेंट। तो भैया, सबसे पहले मैंने तो स्क्रीनशॉट निकाला, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। शिपरेक का ना फर्स्ट चॉइस मेरे को मिल जाता है एक ट्रेजर मैप। और यार, उसके बाद ना मेरे को कुछ गाजर वगैरह मिल जाते हैं। एंड यार, फिर क्या, मुझे एक ज़ॉम्बियों का अड्डा मिलता है। तो भैया, मैं ज़ॉम्बियों के अड्डे से कुछ चीजें चुरा लिया। मेरे को एक फिशिंग रॉड भी मिलता, तो भैया मैं मछली पकड़ने मछुआरा बन गया। तो जब ना लक्का देवी तुम्हारे साथ नहीं होती, तो भैया मछुआरा बन के भी नदी से तुमको बर्तन ही मिलने वाले हैं। तो भैया, उसके बाद ना मैं एक और अड्डे पे गया, अड्डे से मेरे को ना कुछ वीड मिल जाते हैं। एंड यार, एक और चीज से ना मेरे को एमरल मिलता है। और फाइनली एक और चीज से मेरे को एक बड़ी ट्रेजर का मैप मिल जाता है। यार, एक बात बताओ, मैं पिलेजर कमर पायरेट ज्यादा लग रहा था। उसके बाद मैं मछली पकड़ा एंड फाइनली मेरे को पफर फिश मिल जाता है। और यार, उसके बाद ना मैंने अपना दिमाग लगा और मैंने पफर फिश खा लिया। उसके बाद मेरे को जो नशा हुआ ना, क्या ही बताए। तो भैया, फाइनली वो भगवान का दुआ कि मेरे बासी रोटी जैसे हार्ट को फिर से लाल गुलाबी कर दिया। उसके बाद मैं निकल गया अपना खजाना खोजने के लिए। एंड यार, फाइनली मेरे को ना खजाने का आइलैंड मिल जाता है। एंड यार, खजाने का आइलैंड पे जाके मैंने काफी देर तक खुदाई की। एंड फाइनली मेरे को खजाना भी मिल जाता है। लेकिन यार, कसम से इधर पे मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिलता, बट मेरे को कुछ आयरन और कुछ गोल्ड मिल जाते हैं। तो भैया, उसके बाद मैं फिर से अपना सेकंड खजाना खोजने गया। एंड पता नहीं क्यों यार, मैं खजाना खोजते खोजते पानी से जमीन पे आ गया। एंड ये खजाना भी मेरे को फाइनली मिल जाता है। एंड इसमें फाइनली मेरे को कुछ डायमंड मिलते हैं। तो भैया, तीनों के तीनों डायमंड उठा के कुछ आयरन उठा के मैं निकल जाता हूँ। उसके बाद तो मैं एक गुफा पे आया। एंड गुफा पे आके मैं जान गंवाने की निंजा टेक्निक यूज किया। और भैया, कसम से पता नहीं कैसे मैं बच गया, जैसे तैसे मैं बच गया इस बार। उसके बाद मैंने अपना 200 IQ यूज करके मैंने डायमंड का पिकैक्स बनाया। हाँ जी, ये 200 IQ नहीं, 1000 IQ था। तो भैया, मैंने ठीक से अपना पिकैक्स बना के काफी देर तक माइनिंग किया। एंड उसके बाद मैं कुछ एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। एंड एक्सप्लोर करते करते ना
काफी दिन हो गया एंड मेरे को मिल जाता है एक बैडलैंड का बायोम। और भैया बैडलैंड के बायोम पे कुछ गुड चीजें भी थे क्योंकि मेरे को मिल जाता है एक डेजर्ट टेंपल। अरे डेजर्ट टेंपल पे आती ना मैंने सबसे पहले टीएनटी तोड़ा एंड टीएनटी तोड़ने के बाद फर्स्ट चीज से मेरे को कुछ एमरल्ड कुछ गोल्ड मिल जाता है, सेकंड चीज से मेरे को कुछ सैडल मिलता है और कुछ एमरल्ड मिलता है, थर्ड चीज से मेरे को ना पावरफुल का बुक मिलता है जो कि मेरे किसी काम में नहीं आने वाला बिकॉज क्रॉसबो पे पावरफुल लगता नहीं। उसके बाद मेरे को मल्टी शॉट का भी एंचेंटमेंट बुक मिलता है जो कि काम आने वाला है क्रॉसबो के लिए। उसके बाद मेरे को माइंड शॉट मिल जाता है और कसम से माइंड शॉट पे हद से ज्यादा गोल्ड थे। तो भैया मैंने काफी देर तक गोल्ड तोड़ा। उसके बाद मेरे को चेस्ट मिलता है जिसमें 5-5 डायमंड थे। तुम लोग बताओ 5 डायमंड मिलता है कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो आज तक नहीं मिला। एंड फिर मेरे को मिल जाता है एक रूइन पोर्टल जो कि हद से ज्यादा बड़ा था। उसके बाद रूइन पोर्टल के चेस्ट से मेरे को मिल जाता है एक सिल्क टच का कुल्हाड़ी, वो भी सोने वाला। पता नहीं कौन सा जादुई पेड़ मैं तोड़ने वाला हूं इस कुल्हाड़ी से। एंड तुम लोग ने मेरे से पूछ सकते हो कि डे 22 इतनी जल्दी कैसे हो गया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो यार बात कुछ ऐसी है ना कि मैं रियल लाइफ पे एएफके चला गया था, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। तो बात कुछ ऐसा हुआ था कि रात के अराउंड 2 बजे मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था और माइनक्राफ्ट में भी रात हो गया था और मेरे पास बेड नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर एएफके चले जाते हैं। और मैं गेम पे जैसे ही एएफके गया ना तो मैं रियल लाइफ पे भी एएफके चला गया, यानी कि मैं सो गया था। और मैं जब सुबह पे उठ के देखा तो ऑलरेडी डे 22 हो गया था। तो यार इसका स्टोरी ना कुछ ऐसा ही है। अब देखो मैं उसके बाद ना एक रेगिस्तानी मंदिर पे आ गया और मंदिर पे आने के बाद ना सबसे पहले मेरे को एक पियर्सिंग 1 का बुक मिल जाता है एंड उसके साथ ना एक रिप्टाइड 2 का भी बुक मिल जाता है। वैसे मैं ट्राइडेंट यूज करने नहीं वाला तो मैं वो रख दिया। उसके बाद एक और चीज से मेरे को मिल जाता है कुछ डायमंड, एक गोल्डन एप्पल और एक इन्फिनिटी का बुक। वैसे तुम लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं कि इन्फिनिटी क्रॉसबो पे लगता नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक डायमंड का कवच बनाया और कवच बनाने के बाद मैं काफी देर तक माइनिंग किया। अरे काफी देर तक माइनिंग करने के बाद ना फाइनली मैंने एक एनविल बनाया। तो एनविल बनाने के बाद ना मैंने सबसे पहले क्रॉसबो पे इन्फिनिटी लगाने की कोशिश की एंड यही टाइम था जब मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्रॉसबो पे इन्फिनिटी लगता नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्रॉसबो पे पियर्सिंग लगाया और पियर्सिंग लगाने के बाद मैंने अपने इन्फिनिटी का बुक और पावरफुल का बुक लावा पे बहा दिया। एंड कसम से अगर ये कोई नॉर्मल हार्डकोर का वीडियो होता तो मेरे को ये बुक मिलता ही नहीं, बट अभी मेरे को मिल गया इसलिए मैंने ये बुक लावा पे बहा दिया। उसके बाद मेरे को स्केलेटन भैया मिल जाता और मैं स्केलेटन भैया को मारने लगा भी क्रॉसबो से। वो अलग बात है कि मेरे पास तीर नहीं था पर मैं क्रॉसबो से ही मार रहा था। देखो यार अगर तुम थप्पड़ दाएं हाथ से मारो या फिर बाएं हाथ से, वो थप्पड़ थप्पड़ ही होता है, समझ रहे हो। तो अराउंड डे 27 पे मैं कैलाश पे आ गया, लेकिन कैलाश पे आने के बाद भी मेरे को शिवजी का दर्शन नहीं मिला। बट मेरे को एक इग्लू मिल जाता है, लेकिन पता नहीं कौन सा जंगली जानवर इस इग्लू पे रहता था क्योंकि मेरे को लूटने जैसे इधर पे कुछ मिला ही नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। तो मैं इग्लू लूटने का नाकाम कोशिश करने के बाद निकल जाता हूं एंड मेरे को एक विलेज मिल जाता है। एंड विलेज पे आने के बाद ना मेरे पास इतना सोना आ गया था कि सोने के वजह से मेरा पैर फिसल गया। उसके बाद मैं गोलेम भैया को मारने लगा एंड ये स्नाइपिंग देखने के बाद ना मेरे मुंह से बस ये निकल आया, असंभव। उसके बाद ना मेरे को एक बर्फीला भालू मिलता है जो कि मेरे ऊपर हमला करने लगा। पता नहीं क्यों कर रहा था पर वो कर रहा था, इसलिए मेरे को उसके ऊपर बदला लेना था। तो भैया मैंने उसके बच्चे को ही किडनैप कर लिया और बच्चे को बोट पे बिठा के मैं निकल जाता हूँ। एंड ये बच्चा मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रहा, तो मैं बच्चे को उधर पे बिठा के मैं खुद एक बोट बना के निकल जाता हूँ स्नोबोर्डिंग के लिए। एंड काफी ज्यादा ट्यूटोरियल देखने के बाद एंड ड्रीम भैया का स्पीड रन देखने के बाद मैं फाइनली फास्ट पोर्टल बिल्ड करना सीख चुका। एंड पोर्टल बिल्ड करने के बाद मैंने फाइनली अपने नरक के दरवाजे पे आग चला के नरक पे चला गया। अब यार नेदर पे आने के बाद ही ना मैंने पिगलिन मामा से काला धंधा करना चालू कर दिया। अब इधर पे मैं थोड़ी देर टाइम बिताता हूँ पिगलिन मामा के साथ, कब पे सब पे मारता हूँ, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। तो उसके बाद मैंने फोकट पे कुछ एक्सपी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने पिगलिन मामा के खानदानी रिश्तेदारों के साथ फिर से काला धंधा करने लगा। एंड यार काफी देर तक चोर बाजार पे काला धंधा करने के बाद ना मेरे पास 13 एंडर पर्ल आ चुके थे एंड काफी ज्यादा एरोस आ चुके थे। अब यार मैं उन एरोस का यूज करके मैंने काफी सारे जंगली सांड को मारा। उसके बाद मैंने जंगली सांड से जो मीट मिले थे वो खा के मैं नेदर फोर्ट्रेस पर चला गया। एंड यार मॉब्स मारने में ना मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है क्योंकि मैं ना तो सोर्ड यूज कर सकता हूँ ना तो कुल्हाड़ी, तो भैया मेरे पास है तो है सिर्फ क्रॉसबो। तो भैया काफी ज्यादा फाइट करने के बाद, काफी ज्यादा एरोस वेस्ट करने के बाद मैं अपने सारे के सारे चीज को लेके ओवरवर्ल्ड पे आ चुका हूं। तुम लोग देख रहे हो कि मेरा इन्वेंटरी खाली है जी नहीं, मैं अपने सारे के सारे तस्वीर को इस बक्से पे रख दिया है। एंड यार मेरे सामने ही एक मेरे खानदानी पूर्वजों का घर मिला एंड उस घर पे आके मैंने सबसे पहले अपने क्रॉसबो पे मल्टी शॉट लगाया। एंड उसके बाद मैं अपने भाइयों को मारना चालू किया इस उम्मीद में कि मुझे अपने भाइयों का श्राप मिल जाएगा। तो उस श्राप की वजह से मैं अपने किसी भी विलेज पे जाके अपने भाइयों को बुला सकता हूं अपने जादुई शक्ति के बल पे। दिल पे पत्थर रख के भाइयों को मारने के बाद काफी बार मरते मरते
बचने के बाद फाइनली मेरे ऊपर अपने भाइयों का श्राप लग चुका था एंड अभी मैं जाने वाला हूँ एक विलेज ढूंढने के लिए। तो थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को एक डेजर्ट विलेज मिल जाता और मैं डेजर्ट विलेज पे आके सबसे पहले विलेजर को मारना चालू किया। लेकिन तुम लोग इधर पे गलत मत समझना, मैं विलेजर को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे को इधर से एक रेवेजर उठाना है जो कि सेकंड या फिर थर्ड वेव पे आता है, तो मेरे को विलेजरों को भी मारना पड़ेगा। वैसे फर्स्ट वेव पे मैंने ज्यादा कुछ काम किया नहीं, सारे के सारे काम गोलेम भैया ने कर दिया था, तो मैं बस इधर पे बैठ के पॉपकॉर्न चबा रहा था। उसके बाद सेकंड रेड भी खत्म होने को आया था एंड थर्ड रेड फाइनली आ चुका था एंड इधर पे आने वाला था रेवेजर, और ये जंगली सांड मेरे को बहुत देर से चाहिए था एंड फाइनली मैं इस जंगली सांड पर बैठ जाता हूँ एंड जंगली सांड को लेके मैं इधर से 9-11 हो जाता हूँ। तो जंगली सांड को लेके मैं काफी देर बाद एक विलेज पे आ जाता हूँ। विलेज पे आने के बाद ना जंगली सांड के लिए मैं इधर पे गड्ढा बनाने लगा एंड इस वीडियो पे ये मेरा दूसरा गलती है। तुम लोग वीडियो पॉज करो, जाके बताओ मैं इधर पे क्या गलती किया है। तो हाँ, मैं सुबह पे उठा, मैं अपने रेवेजर दोस्त को देखने के लिए गया एंड मैं जैसे अपने रेवेजर दोस्त को देखने के लिए गया मैंने देखा कि वो पहले ही डिस्पॉन हो चुका है क्योंकि मैंने उस पर कोई भी नेम टैग नहीं लगाया था। तो भैया ये मेरा सेकंड गलती था एंड तुम लोगों को पता होगा मैंने सारे के सारे एंडर पर्ल को आई ऑफ एंडर पे बदल लिया था एंड अभी मैं जाने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। हाँ, तो उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ एंड जाते जाते मेरे को एक विलेज मिलता है और विलेज पे एक घोड़ा था। तो मैं विलेज पे आते ही सबसे पहले विलेजर को तंग करने लगा एंड कसम से विलेजरों को तंग करके जो खुशी मिलती है ना तुम्हें कुछ और पे नहीं मिलने वाला। उसके बाद मैंने काफी ट्राई करने के बाद घोड़े को पटा ही लिया और यार उसके बाद मैं घोड़े के लिए गड्ढा खोदते गड्ढे पे घोड़े को डाल के मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए फिर से निकल जाता हूँ एंड यार काफी बायोम और विलेज का चक्कर काटने के बाद मुझे फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता और उसके बाद ना मैं डिग डाउन करने लगा। एंड यार स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड कुछ ज्यादा ही अजीब था एंड उसके बाद ना मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के लाइब्रेरी पे आ गया एंड लाइब्रेरी पे मेरे को शार्पनेस 4 का बुक मिला जो कि मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं विलेजर हूं और मैं क्रॉसबो के अलावा कोई और वेपन यूज नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैं बुकसेल तोड़ना चालू किया, आदत हो चुकी है एंड मेरे को ना काफी सारे चीज से काफी सारे लूट मिलती है एंड फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड का पोर्टल मिल जाता है एंड सबसे पहले मैंने स्पॉनर तोड़ के पोर्टल पे आग लगा के पोर्टल एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद मैं क्रीपरों के साथ रिंगा रिंगा रोजेस करके घर लौट आया काफी दिनों बाद एंड घर लौटने के बाद ना मैंने एक आइटम फ्रेम बनाया, आइटम फ्रेम पे अपना क्रॉसबो लटका दिया। उसके बाद मैं माइंड करने जाता हूं, मेरे को माइंडशॉट मिल जाता है और माइंडशॉट के चेस से मेरे को कुछ नेम टैग मिलता है एंड तुम लोगों को तो पता ही है माइंडशॉट में लूट बहुत ज्यादा मिलती है। तो मैं काफी ज्यादा माइंड किया, काफी सारे चेस्ट लूटा, उसके बाद फाइनली मेरे को डायमंड मिल जाता है तो मैंने डायमंड भी तोड़ लिया। ये सब करने के बाद मैं फिर से घर लौट आया। उसके बाद मैंने अपने सारे के सारे गोल्ड स्मेल्ट करने दिया एंड गोल्ड स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं एक विलेज ढूंढने निकल गया क्योंकि मेरे को एक लाइब्रेरियन चाहिए था, मेरे को कुछ एन्चेंटेड बुक्स वगैरह की जरूरत थी। तो काफी ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली एक विलेज मिल जाता है एंड यार विलेज में आते ही सबसे पहले मैंने गन्ने की खेती करना चालू किया क्योंकि मेरे को बहुत सारे पेपर चाहिए। उसके बाद मैंने इस लाइब्रेरियन के पीछे काफी देर तक भागा, पकड़म पकड़ाई खेल रहा था मैं इसके साथ। तो फाइनली मैंने इसको बोर्ड पे बिठा दिया, तो काफी देर तक मैंने गन्ने को काफी देर तक ट्रेडिंग किया, तो उसका छोटा सा टाइम लैप्स ये रहा। काफी ज्यादा ट्रेडिंग करने के बाद ना फाइनली ये बंदा मेरे को प्रोटेक्शन 4 का बुक दे रहा था, तो मैंने एक नहीं दो प्रोटेक्शन 4 का बुक ले लिया और अपना काम हो गया। तो मैंने उसको आग पे जला दिया क्योंकि भैया अपना काम था। उसके बाद मैं फिर से माइन करना चालू किया एंड माइन करते करते मुझे अचानक डायमंड मिल जाता है। तो मैं घर लौट के सबसे पहले डायमंड का चड्डी बनाता हूँ और डायमंड का चड्डी बनाने के बाद टोपी बना लेता हूँ। अब देखो 0 से लेके 60 दिन तो बीत चुके लेकिन मैंने अभी भी घर नहीं बनाया, तो मैं भी घर बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखो पिलेजर टावर पे सफेद लकड़ी से बने होते हैं, तो मैंने काफी सारे सफेद लकड़ियां तोड़े एंड तुम लोग को याद होगा पिलेजर टावर पे जंगल लूट भी रहते हैं। अब मेरे पास अभी जंगल लूट है नहीं और मैं जंगल लूट ढूंढने नहीं जाऊंगा, तो मैंने इस पहाड़ी काले लकड़ी से काम चलाने वाला हूँ। तो काफी सारे पहाड़ी लकड़ियां तोड़ने के बाद मैंने अपना मिट्टी प्लेन करने लगा एंड बाकी तुम लोग मेरे घर बनाने का टाइम लैप्स एंजॉय करो।
पूरे के पूरे 7 दिन मेहनत करने के बाद ना मेरा पिलेजर टावर बनके रेडी हो गया था एंड तुम लोगों ने मैं थोड़ा बहुत टूट दे देता हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा पिलेजर टावर तो मैंने नहीं बनाया, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन किया है मैंने, जैसे कि अंदर पे ये स्टेयरकेस जो कि सबसे घटिया चीज है, मैं काफी बार मरते मरते बच्चों मतलब ऊपर से गिर गया था नीचे। उसके बाद मैंने पोर्टल बनाने के लिए लकड़ी तोड़ने लगा एंड फाइनली मैंने पोर्टल पे आग जला दिया एंड तुम लोगों ने बाहर से अपना घर का लुक दिखा देता हूँ एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा था एंड तुम लोग मेरे को बताओ कि मेरा ये पिलेजर टावर कैसा लग रहा है। एंड यार अभी मैं एंडर ड्रैगन मारने वाला हूँ एंड तुम लोगों को पता होगा मेरे पास एरोस काफी कम है तो मेरे को ट्रेडिंग करनी होगी बहुत ज्यादा। तो मैं नेदर पे चला गया एंड नेदर पे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मेरे को बैस्टियन मिल जाता है। तो बैस्टियन पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि ये पिगलिन के बड़े भैया मेरे को कुछ बोल ही नहीं रहे। अब फर्स्ट से मेरे को काफी सारे एरोस, कुछ ऑब्सिडियन, एक एंशिएंट डेब्रिस और कुछ गोल्ड मिल जाते हैं। और उसके बाद मैंने देखा इधर पे पिगलिनों का मीटिंग चल रहा है तो मैंने उनको डिस्टर्ब ना करते हुए दुनिया से ही निकाल दिया। उसके बाद मेरे को एक और एंशिएंट डेब्रिस मिलता है और कुछ आयरन मिल जाता है एंड फाइनली इधर उधर पे जो गोल्ड पड़े हुए थे वो मैंने उठा लिया एंड फाइनल जैसे मेरे को फाइनली एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है। अब देखो मेरे पास काफी सारे सोने का बिस्कुट आ गया था तो मैं ना पिगलिन मामों के फैमिली के साथ ट्रेड करने लगा। एंड ट्रेड करने के बाद ना मेरे को एक और चीज मिला और उस चीज से मेरे को फिर से एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है। अब देखो इधर पे लूटपाट मचाने के बाद ना मैंने एक पोर्टल बना और पोर्टल बना के मैं ओवरवर्ल्ड पे आ गया एंड ओवरवर्ल्ड पे आके मैंने देखा कि भगवान ने मेरे को समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया है। तो भैया इधर पे मैं तैर के घर पे लौटा एंड घर पे लौटने के बाद मैंने सबसे पहले स्पिनिंग टेबल बनाया। स्पिनिंग टेबल बनाने के बाद मैंने नेदरराइट का बिस्कुट बना, नेदर का बिस्कुट बना के मैंने अपने डायमंड के कवच को नेदरराइट का कवच में बदल दिया एंड उसके बाद मैंने अपने घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा था जिसका नाम था कटप्पा मामा। तो कटप्पा मामा तो मेरे घर का सिक्योरिटी देख ही रहे तो मैं चला जाता हूँ एंड पे और मैं एंड पे कूद गया। एंड यार तुम लोग मेरे और एंडर ड्रैगन के बीच का फाइट अभी एंजॉय करो क्योंकि मैं सिर्फ क्रॉसबो यूज करने वाला हूँ। कसम से ये वाला जो फाइट है ना ये लड़ने में मेरे को कसम से सबसे ज्यादा टाइम लगा। और यार एंडर ड्रैगन मारने के बाद मैंने एंडर ड्रैगन का अंडा ले लिया और अंडा लेके मैं घर लौट आया। एंड यार घर लौटने के बाद मैंने अपने घोड़े का नाम दे दिया धनुकिनी। देखो भैया धनु और लैम्बोर्गिनी जुड़ के मैंने धनुकिनी कर दिया। उसके बाद मैं चला गया था पिलेजर टावर पर। पिलेजर टावर पे जाके मैंने अपने भाइयों को मारना चालू किया एंड ये लोग भी मेरे को छोड़ने वाले नहीं थे लेकिन मैं जैसे तैसे सरदार जी को लपेट के 9-2-11 हो गया। उसके बाद और क्या मेरे विलेज पे रेड आ गया। मैंने थोड़ा बहुत फाइट किया, गोलम भैया ने भी थोड़ा बहुत फाइट किया, फर्स्ट वेव चला गया। उसके बाद थोड़ा फाइट करने के बाद सेकंड वेव भी खत्म हो जाता है, थर्ड वेव पे फाइनली रेवेजर आ जाता है। तो भैया मैं झट से जाके रेवेजर के पीठ पे बैठ जाता हूँ और रेवेजर को भगा के मैंने रेवेजर के गड्ढे पे फेंक दिया। उसके बाद मैं जल्दी से जाके रेवेजर पर एक नेम टैग लगा दिया, वो गलती मैं दूसरी बार नहीं करने वाला। तो मैंने रेवेजर का नाम दे दिया जंगली सांड। अब देखो मैंने रेवेजर का गड्ढा थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया एंड इसी के साथ मेरा 100 डेज भी कंप्लीट हो जाता है एंड मैंने सारे के सारे टारगेट कंप्लीट कर दिए थे। तुम लोग अभी तक अगर देख रहे हो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना एंड जो भी यहाँ तक देख रहे हो अपना अपना नाम कमेंट सेक्शन में बता दियो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, हो सके तो ज्वाइन कर लेना, उधर पे गप्पे सप्पे मारेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।